70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से झंडा रोहण किया, वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी झंडा रोहण का कार्यक्रम किया गया। रायबरेली जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में जिला अधिकारी सुब्रत सक्सेना ने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर झंडा रोहण किया, साथ ही शहीदों के परिजनों को जहां सम्मानित करने के काम किया, वहीं लोगों को धूम्रपान मुक्त रहने की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त, सिटी मजिस्ट्रेट समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए जिला अधिकारी ने क्या कहा, आप ही सुनिए। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद रायबरेली में हर जगह स्वतंत्रता दिवस बहुत हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोविड के दृष्टिगत हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम संख्या में थोड़ी सादगी से इस बार इस पर्व को मना रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी मुझे किसी में किसी भी प्रकार के उत्साह की कमी नहीं लगी और मैं इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं अपने समस्त जनपदवासियों को देना चाहती हूं और ये आशा करती हूं कि जो चुनौतियां इस समय हमारे सामने खड़ी हैं, जिसमें सबसे मुख्य कोरोना है, उसे लड़ने में हम सब साथ चलेंगे और इस चुनौती से भी हम लोग अच्छी तरह से निपटेंगे। किस चीज़ की शपथ दिलाई गई है आज यहाँ पर? टोबैको मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई है, जिसमें धूम्रपान या अन्य तम्बाकू सेवनों से लोगों को मुक्त करने के लिए शपथ दिलाई गई है।